उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपने चैनल वैष्णो माउंटेन खबर उत्तरकाशी से। जैसे कि आप जानते ही हैं कि गुरिल्ला जन जागरण रथ यात्रा, जब इनकी मांगे नहीं मानी गई, 5000 दिन की लगातार धरने के बाद भी गुहार नहीं सुनी गई, तो पूरे प्रदेश के अंदर जन जागरण चल रहा है। और एक तारीख से चली है जन जागरण यात्रा, आज उत्तरकाशी पहुंची। उत्तरकाशी में जनपद मुख्यालय में विशाल जुलूस निकाला। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत सरकार, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड सरकार को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंप कर रथ यात्रा की शुरुआत केंद्रीय अध्यक्ष डालाकोटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से पूजा अर्चना से की। और निरीक्षण भवन में डालाकोटी ने कहा कि गुरिल्ला विगत 17 साल से नौकरी पेंशन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार उनकी मांगों पर मूक दर्शक बनी हुई, जबकि सीमाओं की सुरक्षा और खुफिया सूचना एकत्र करने का स्थानीय लोगों से जुड़ी हुई गुरिल्ला युक्त सुरक्षा प्रणाली की बेहतर कोई सुरक्षा प्रणाली नहीं है। गुरिल्ला न केवल अपनी युवावस्था में भारत सरकार की सीमाओं में शांति व्यवस्था स्थापित कर सिद्ध किया है, बल्कि युवावस्था सरकार द्वारा दिए गए प्रशिक्षणों में लगाई गई तथा उन्होंने अपना युवावस्था प्रशिक्षण में लगाया, इसलिए वृद्धावस्था में उन्हें जीवन यापन योग्य समाजनक पेंशन दी जाए। और साथ ही 1971 के याद दिलाई चीन का भारत पर आक्रमण का। आज इस रैली में ब्रह्मानंद डालाकोटी जी के अलावा भूपेंद्र सिंह, शैलेंद्र सिंह, प्रथम सिंह राणा, श्यामलाल, जगमोहन पवार, बलवंत रावत, रघुवीर सिंह राणा, हरवीर पवार, जसमिला राणा, रजनी, सरिता पोखरियाल, रजनी भट्ट सहित भारी संख्या में गुरिल्ला मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। यानी कि हमको बुलाया नहीं युद्ध करना, एक बार ट्रेनिंग दे के युद्ध को भूल जाओ नहीं कहा। युद्ध को याद रखो, युद्ध के लिए तैयार रहो। कभी भी वो लाल टोपी वाला, लाल झंडे वाला आक्रमण कर सकता है 1962 की तरह, और आपको लड़ने जाना होगा। अगर सेना आए या ना आए, भाई देखो, सेना नहीं आ पाती है, पीछे रह जाती है। आपको हथियार मिलेंगे, हमने जंगल में गाड़ दिए हैं। आपको नक्शा भेजा जाएगा, वो हथियार निकालोगे, युद्ध में लड़ने जाओगे। ये हमसे कहा गया और तैयार रखा गया, और ट्रेनिंग देते रहे, रिफ्रेशर कोर्स कराते रहे, जंगल आरटीसी कराते रहे, जंगल एक्सरसाइज कराते रहे। बार बार किसी को तो शूटिंग कॉम्पिटिशन में भी भेजा, किसी को अन्य किस्म की, किसी को जीएल कराया, किसी को कुछ कराया, तमाम किस्म के प्रशिक्षण, किसी को ग्रेनेड बनाना भी सिखाया। हम में से कई ऐसे लोग हैं, अभी मैं आसाम के दौरे में था तो एक आदमी मिला, वो कहता मैं 36 बार ट्रेनिंग की है, मैंने भिन्न भिन्न कोर्स किए हैं गुरिल्ला होने के नाते। यानी कि उसकी जिंदगी के 36 साल सरकार ने दे लिए, दिया कुछ नहीं। इसलिए मैं सरकार के सामने, हमारा एक ही मजबूत तर्क है, हमारे जीवन के बहुमूल्य साल आपने युद्ध की इंतजारी में, युद्ध की में के लिए तैयार रखते हुए, जवानी के बहुमूल्य वर्ष आपने 20 साल, 25 साल, 30 साल हमारे लिए हैं। हमने देश की सेवा के लिए 20 साल समर्पण का कसम खाई थी, समर्पित थे। चीन से युद्ध हो जाता तो हम मरखप जाते, कितने लोग लूले लंगड़े हो जाते, कितने लोग मारे जाते, कितने के घर बर्बाद हो जाते। लेकिन युद्ध नहीं हुआ, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, बल्कि हमारी सफलता है। हो सकता है चीन ने इसी कारण से भारत पर आक्रमण न किया हो, कि उसे पता हो गया हो कि अब अगर हम 1962 की तरह आगे बढ़ेंगे तो उत्तराखंड के नहीं, पूरे भारत की सीमाओं पर गुरिल्ला बैठे हुए हैं। हर घर में बंदूक चलाने वाली नारी सबको दी गई ट्रेनिंग, आम नागरिकों को भी। हर घर में बंदूक राइफल चलाने वाली महिला बैठी है, हर घर में महिला पुरुष बैठा है, और उनका नेतृत्व करने के लिए गांव गांव में गुरिल्ला बैठे हैं। खुला मैदान मिलने वाला नहीं है, हर घर से गोली चलेगी, जगह जगह रास्ते रोके जाएंगे, जगह जगह एम्बुश होंगे, जगह जगह हमारे कैंपों में रेड होगी, हमारे को पानी नहीं मिलेगा, हमें राशन नहीं मिलेगा, वहां पर ट्रेन लोग बैठे हैं। भारत सरकार को ये मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है चीन ने दोबारा
भारत की ओर कदम बढ़ाने का साहस इसलिए नहीं किया कि ये गुरिल्ला सुरक्षा पंक्ति के रूप में खड़ा था। इसलिए हमारा हक बनता है कि हमको पेंशन बुढ़ापे में जब आज हम काम करने योग्य नहीं है, हमें हमारा कुछ जीवन यापन योग्य धनराशि सरकार दे, चाहे वो एक मुश्त दे चाहे पेंशन दे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी थी। दूसरी ओर मैं बात कहना चाहता हूं, आज हमारे चाहे वो 50 साल के गुरिल्ला है, 55 साल के हैं, 60 साल के हैं, 65 साल के हैं, आज भी वो सेना की तरह काम कर सकते हैं। भारत सरकार बहुत, आप देख रहे हैं, बात कर रही है, रोज अखबारों में आता है, इस बात का प्रचार किया जाता है, वो बातें वोट बटोरने का साधन तो बनती हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था सुधारने का कारण नहीं बनती। भारत की सरकार बार बार कहती है म्यांमार से, बर्मा से रोहिंग्या मुसलमान घुस रहे हैं, सरकार रोना रोती है बांग्लादेश से बांग्लादेशी घुस रहे हैं, सरकार रोना रोती है जम्मू कश्मीर में आतंकवादी लोग घर करके बैठ गए हैं, उनको निकालना मुश्किल हो गया है, उनके उपाय क्या करती है सरकार? कभी 370 हटाने के लिए हटाती है और प्रचार करती है हमने हटा दिए, कोई नहीं कर सकता था, आतंकवाद खत्म नहीं होता, आतंकवाद खत्म करेंगे इसलिए हटाती है। पूरे जम्मू गुरिल्ला संगठन, गुरिल्ला संगठन आवाज दो, आवाज दो, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, जो गुरिल्ला हित की बात करेगा, जो गुरिल्ला हित की बात करेगा, ठीक है। अपने राष्ट्र अध्यक्ष बरवन डालकोटी जी, याद करो, गुरिल्ला का सम्मान करो, 1962 याद करो, गुरिल्ला का सम्मान करो, 1962 याद करो, गुरिल्ला का सम्मान करो, एक देश में दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एक देश में दो नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एक देश में दो कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एक देश में दो नीति नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गुरिल्ला का सम्मान करो, गुरिल्ला का सम्मान करो, गुरिल्ला का सम्मान करो।